हेलो एवरीवन वेलकम टू जे आर एफ अड्डा वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो आज जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर करने वाले हैं यूनिट थ्री बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसके बारे में हम लोग समझेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट अलग अलग थियरीज हैं थे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से आपको सारी जो चीजें हैं इस टॉपिक की कवर करनी है तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर फॉर्दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम जूही जैन है पेपर वन कम्युनिकेशन एंड पेपर टू सोशलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जे आर एफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है पेपर वन प्लस पेपर टू की डेडिकेटेड क्लासेस है आपको इस चैनल पर मिल जाती है इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स हैं मीनिंगफुल अपडेट्स हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन की क्लासेस का टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए मेरी कम्युनिकेशन की क्लासेस ट्यूसडे एंड वेनसडे को 11 एम पर आपके लिए होती हैं एंड शोशॉलोजी की क्लासेस थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को 3 पी पर आपके लिए इस चैनल पर होती हैं एंड मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे को यू जी सी नाइट ह्यूमैनिटीज़ चैनल पर मेरी आप सभी के लिए सोशॉलॉजी की क्लासेज होती हैं मतलब डेली आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेज होती हैं तो सभी लोगों को दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसके अलावा काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोज़ हैं स्पेशल सेशनस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो मैं के लिए यूजीसी नाइट ह्यूमैनिटीज चैनल पर लेकर आती हूं तो इस चैनल को भी आप सभी लोगों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है जी आर का प्रीमियम बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पेपर वन प्लस पेपर टू की डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करनी है अच्छे से एक एक टॉपिक डिटेल में आपको कवर करना है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में यूनिट वाइज सारे जो टॉपिक है अगर आपको कवर करने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच में आपको मिलता है जहाँ पर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सारे थियरीज है कंसेप्ट है वो मैं आपको कवर कराती हूँ जो भी न्यू टॉपिक्स इस बार पूछे गए हैं वो भी सारे मैं इस फाउंडेशन बैच में आपके लिए कवर कर रही हूँ तो अगर आपको दिशा एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या जून 2025 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस फाउंडेशन बैच को भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो सारी लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं हर थर्सडे को सॉरी हर सैटरडे को यहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी मेरा आप सभी के लिए होता है इसके साथ ही पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज हैंडबुक क्रैश कोर्स ये सभी चीजें भी आपको इस कोर्स में हमारी मिलने वाली है तो सभी लोग इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग समझेंगे सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है यहीं से हम लोग आज शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है एक तरह का प्रोसेस है प्रक्रिया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है इस प्रोसेस के थ्रू हमारी सोसाइटी में लोगों को अलग अलग लेवल पर अरेंज किया जाता है हायर या लोअर पोजिशन जब हम लोग सोसाइटी में लोगों को देते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बुलाते हैं जैसे मैं आपको हमेशा इस तरह का जो ट्राइंगल है वो बनाकर बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग लेवल्स पे लोग अरेंज होते हैं कुछ टॉप पोजीशन पे होते हैं कुछ लोअर पोजीशन पे होते हैं कुछ मिडिल पोजीशन पे पर यहाँ पर हमारे होते हैं तो ये जो आप सोसाइटी में लोगों को अलग अलग लेवल पे अरेंज करते हो हिरानकी में हम लोग लोगों को अरेंज करते हैं या रैंक हम लोग करते हैं तो यही जो प्रोसेस होता है इसी प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारा बुलाया जाता है अब हम लोग देखें कि हर सोसाइटी में आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है चाहे आप किसी भी सोसाइटी में देखो हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म का स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ही हमारा स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ मेन चीजें रहती हैं जैसे हिरारकी हमेशा यहाँ पर होती है मतलब पदानुक्रम होता है कि अलग अलग लेवल्स में आप लोगों को अरेंज कर रहे हो लोगों के बीच में इनइवेलिटीज हैं डिफ्रेंसेज हैं वो भी हमें इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आप किस बेसिस पे लोगों को अलग अलग अरेंज किया जाता है तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग अरेंज कर देते हैं जैसे अगर ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कास्ट के बेसिस पर लोगों को अलग अलग लेवल पर अरेंज किया जाता है जैसे कुछ लोग हैं वो अपर कास्ट पीपल कंसीडर किए जाते हैं कुछ लोअर कास्ट हमारे कुछ मिडिल में हमारे आ जाते हैं वो क्लास के बेसिस पे हम लोग अरेंज करते हैं मतलब आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पर लोगों को अलग अलग अरेंज किया जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना मॉडर्न सोसाइटीज में ये अपर क्लास पीपल है ये लोअर क्लास है ये मिडिल क्लास पीपल है वो आपके प्रेस्टीज के बेसिस पे प्रिवेलेज के बेसिस पे आपके स्टेटस पावर या इनकम के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर लोगों को अलग अलग लेवल पर अरेंज करते हैं इवन आपका जेंडर है एज है एथनिसिटी है हम लोग यहाँ पर जो रेस आपका होता है उसके बेसिस पे भी अलग अलग लेवल पर लोगों को अरेंज कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली बात है कि जो लोग टॉप पोजीशन पे होंगे उनके पास ज्यादा पावर होगा ज्यादा प्रेस्टीज होगा प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिवलेजेस उनके पास हमारे ज्यादा होते हैं और जो लोअर पोजिशन पे है उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन अनिक्वल ट्रीटमेंट है जो सोसाइटी में किया जाता है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिंपली मीन्स कि जैसे हमारी सोसाइटी में लोगों को अलग अलग लेवल पर अरेंज किया जाता है तो यही पूरा जो प्रोसेस है प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं ये सिंपल सा मीनिंग है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है नंबर वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल सार्वभौमिक है इसका मतलब क्या है कि हर सोसाइटी में आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता ही मिलता है चाहे आप कोई सोसाइटी ले लो एशियन टाइम में भी आपको देखने को मिलता था आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलता है जैसे पहले के टाइम पे हम लोग बात करें की अलग तरीके से हमारा स्ट्रेटिफिकेशन था कास्ट बेस स्ट्रेटिफिकेशन था आज के टाइम पे हम लोग देखें तो क्लास बेस्ट हमारा होता है मतलब हर सोसाइटी में आपको आ, मतलब जैसे इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वेस्टर्न सोसाइटीज में भी हमारा है तो, तो स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल है हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है ये सोशल होता है सामाजिक होता है मतलब मोस्टली हम लोग देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन आपका होता है ये सारी चीजें एशियंट है प्राचीन है पहले के टाइम में भी आपको देखने को मिलता था जैसे आप देखो वर्ल्ड वर्ण सिस्टम है वर्ण सिस्टम आप सभी जानते हो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हम लोग अरेंज करते हैं तो ये क्या है हमारा एंशियंट ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारे वैदिक टाइम पे इस तरह से जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो चलता था कॉन्सिक्वेंशियल है परिणाम स्वरूप है डिफरेंसेज है हमारी सोसाइटी में तो उसी का परिणाम है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है एंड लास्ट इज इसके डाइवर्स फॉर्म होते हैं मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह से स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज़ है वहां पर वर्ण सिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन होता है मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फ्रेंच सोसाइटी की आप बात करो तो वहां पर फ्यूडल सिस्टम आपको देखने को मिलता है फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है हमारा जो जैसे फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो थ्री एस्टेट आपको देखने को मिलती है फर्स्ट एस्टेट में आपके क्लर्जी आ जाते हैं जो टॉप पोजिशन पे है फिर आपकी नोबेल्टी आ जाती है मतलब नोबल्स टू किंगस मैन वगैरा है एंड लास्ट थर्ड एस्टेट में आपके जो भी पीजेंट्स हैं वगैरह वो आ जाते हैं तो फ्यूडल फ्रेंच सोसाइटी में अलग तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है इंडियन सोसाइटी में अलग तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है रोमन सोसाइटीज की बात करें हम लोग तो मैक्स वेबर ने कहा था पेट्रीशियन एंड प्लेबियन जो क्लासेस है वो हमें देखने को मिलती है मतलब अपर एंड लोअर क्लास रोमन सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं तो हर सोसाइटी में अलग अलग बेसिस पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो देखने को मिलता है तो ये सारे एक बेसिक फीचर्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के जो आप लोगों को जरूर यहाँ पर पता होने चाहिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि स्ट्रेटिफिकेशन हमने देखा एक तरह का सोशल प्रोसेस है सामाजिक प्रक्रिया है तो इसके भी हमारे फोर सब प्रोसेस होते हैं उप प्रक्रिया भी इसकी हमारी होती है कौन कौन से फोर सब प्रोसेस हैं वो आपको ध्यान रखना है नंबर वन इज डिफ्रेंसीशन सबसे पहले हमारे क्या होता है कि जब स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है सबसे पहले क्या है आप लोगों के बीच में जो डिफ्रेंसेज है उसकी बात कर दो तो, कि क्यों लोग एक दूसरे से अलग है हमारे जैसे कास्ट के बेसिस पे हम लोग अलग हैं क्लास के बेसिस पे अलग है तो सब से पहले डिफ्रेंसिएशन किया जाता है मतलब अलग अलग वाइज लोगों को डिवाइड किया जाता है है देन हम लोग देखते हैं आता है, मतलब आप क्या करते हो करते हो मूल्यांकन करते हो लोगों का कि कौन हमारे क्या मतलब क्या बेनिफिट्स हैं मतलब फीचर्स वगैरह वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हो थर्ड चीज आती है फिर उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग हमारी की जाती है कि, कि किसको टॉप पोजिशन मिलेगी किसको लोअर पोजिशन मिलेगी तो इवेलुएशन के बाद रैंकिंग हमारा आता है एंड लास्ट चीज आता है रिवॉर्डिंग अब आप क्या करते हो कि जो पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिवॉर्ड देती हूं जैसे जो टॉप पोजिशन पे है उनको बहुत ज़्यादा पावर प्रेस्टीज ये सब हमारा मिलता है जो लोअर पोजीशन पे है उनको उतना ज़्यादा पावर एंड प्रेस्टीज नहीं मिलता है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है तो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है वो यहाँ पर हमारा दिया जाता है तो स्ट्रेटिफिकेशन के ये फोर सब प्रोसेस हमारे होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ये जो फोर सब प्रोसेस है इसके बारे में मेलविन टूमेन ने बात की है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टॉपिक में मेलविन टूमेन का नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनका नेम सभी सभी को जरूर ध्यान रखना है तो ये फोर सब प्रोसेस एज एट इज सिक्वेंस में ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है अब हम लोग इसके अलावा देखें टीबी पोटोमोर है इन्होंने भी फोर फॉर्म्स दिए थे स्टेटिफिकेशन की कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में किस तरह से आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है तो टीबी पोर्टमोर ने क्या कहा था स्लेवरी एस्टेट कास्ट एंड क्लास बेस्ड जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलता है जैसे सबसे पहले हम लोग देखें जैसे कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं ना स्लेवरी सिस्टम में क्या होता था एंशंट सोसाइटीज में आपको जो मास्टर और स्लेव है उनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता था जैसे जो मास्टर्स हमारे होते थे वो टॉप पोजिशन पे आते थे हमारी सोसाइटी में स्लेव्स उनके अंडर काम करते थे तो काफी ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्लेव्स वगैरह को हमारा फेस करना पड़ता था तो स्लेवरी सिस्टम में भी ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलता था जो एंशियंट सोसाइटीज होती थी लगभग हमारी 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड पीसी के टाइम का जो पीरियड है वहां पर ये जो स्लेवरी सिस्टम है वो देखने को मिलता था तो ये भी क्या है एक तरह का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है सेकेंड हम लोग देखते हैं एस्टेट सिस्टम जो फ्यूडल सोसाइटीज में जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं फ्रेंच सोसाइटीज का तो फ्रेंच सोसाइटी में क्या होता था एस्टेट सिस्टम फॉलो होता था बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पर आप जानते हो ना थ्री एस्टेट्स हमारी थी ये मैंने आपको कई बार बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेड क्लासेस में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया भी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो ये वही एस्टेट सिस्टम है यहाँ पर हमारा क्या होता है कि थ्री एस्टेट्स होती हैं नंबर वन इज आपकी आ जाती है क्लर्जी क्लर्जी में क्या है कि जो भी आपके प्रीस्ट हैं चर्च मैन है वो आ जाते हैं सेकेंड आपके आ जाते हैं नोबल्स मतलब जो किंग्स मैन है राजा के दरबारी वो सारे एंड थर्ड एस्टेट का नाम ही हमारा थर्ड एस्टेट है और थर्ड एस्टेट के अंदर आपके क्या आ जाते हैं जो भी हमारे पीजेंट्स हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ जो भी आपके पीजेंट्स हैं आर्टिशंस वग़ैरह हैं ये सब हमारे किस में आ जाते हैं थर्ड एस्टेट में तो फ्यूडल सोसाइटी या फिर एस्टेट सिस्टम में क्या होता था कि ये जो थर्ड एस्टेट है वो लोअर पोजिशन पर आती थी क्लर्जी हमारे टॉप पोजिशन पर उनसे नीचे नोबल्स आते थे तो ये जो थर्ड एस्टेट है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता था सारा जो टैक्सेस पे करने का काम है वो सिर्फ थर्ड एस्टेट हमारी करती थी तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं और एस्टेट सिस्टम में क्या होता है आपके पास एक तरह का स्टेटस होता है यही क्वेश्चन इस बार आपको जो अभी अगस्त एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा भी गया था कि एस्टेट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं तो एस्टेट सिस्टम में आपके पास एक स्टेटस होती है पोजीशन होती है ये जो हमारे आ, मतलब टॉप पोजीशन वाले लोग हैं ये लैंड ओनर्स वगैरह हमारे हुआ करते थे तो ये एस्टेट सिस्टम है जो आपको फ्यूडल फ्रेंड सोसाइटीज में देखने को मिलता था तो ये भी एक तरह का क्या है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है थर्ड आप जानते हो कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन होता है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप सभी जानते हो जो आपकी कास्ट है वो बाय बर्थ डिटरमाइन होती है मतलब ये एक तरह का एस्क्राइब्ड स्टेटस है कास्ट आपकी बाय बर्थ डिटरमाइन होती है तो कास्ट के बेसिस पर लोगों को अलग अलग लेवल्स में अरेंज किया जाता है जैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो टॉप पोजीशन पे आएंगे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें लोअर पोजीशन पे रखा जाता है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपके जो राइट्स वगैरह है वो भी फिक्स किए जाते हैं या ट्रेडिशनल सिस्टम में बात करें तो आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ऑक्यूपेशन है वो भी फिक्स है जैसे आप देखो जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अक्सर हमारे काफी अनहाइजेनिक जॉब्स वगैरह हमारे परफॉर्म करते हैं या लो प्रोफाइल जो जॉब है वो करते हैं जैसे सीवेज क्लीन करने का काम हमारा स्वीपिंग वगैरह का बारबर्स वगैरह का इस तरह का काम ये लोग करते हैं तो आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ऑक्यूपेशन है वो भी हमारा डिटरमाइन होता था ये लास्ट आ जाता है है क्लास क्लास तो क्लास आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस उसके बेसिस पे आपको मिलती है जैसे अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप अपर अपर क्लास में कंसिडर किए जाओगे अगर आप लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करते हो तो लोअर क्लास में हम लोग यहाँ पर आते हैं मिडिल क्लास भी होती है जैसे क्लास के बारे में कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था जो क्लास हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है उन्हें बोर्जुआ क्लास हम लोग बोलते हैं जो वर्किंग क्लास है जो अपना लेबर सेल करके वेजेस अर्न करती है उन्हें प्रोलिटेरियट क्लास हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो बुर्जा एंड प्रोलिटेरियट क्लास में भी क्या है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है क्योंकि बुर्जवा क्लास टॉप पोजिशन पे आती है वो सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल उनके पास में है एंड प्रोलीटेरियट क्लास के पास Uh, उतना कंट्रोल नहीं है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह का तो उन्हें अपना जो लेबर है वो सेल करना पड़ता है मतलब काम करके वो लोग अपने लिए जो वेजेस है वो अर्न करते हैं और काफ़ी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है डिस्क्रिमिनेशन है वो भी होता है पॉलिटेरी क्लास के साथ तो टीबी बोटोमोन ने ये फोर फॉर्म्स हमें बताए हैं जिसके बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण है वो आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दैट इज थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण के क्या अलग अलग सिद्धांत हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पर समझना है अब जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट थियरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनलिस्ट थियरी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वेबर का पर्स्पेक्टिव हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स ने किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात

कॉन्फ्लिक्ट uh, थियोरिस्ट ये मानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन एन अनजस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर इन सोसाइटी तो कॉन्फ्लिक्ट conflict... पर्सपेक्टिव के जो थिंकर है उनका यह मानना था कि हमारी सोसाइटी में स्केर्स रिसोर्सेज हैं मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और ये जो रिसोर्सेज हैं वो अनिक्वली डिवाइडेड है मतलब किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है तो इसी की वजह से क्या है कि ये जो अनजस्ट एलोकेशन है मतलब किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है किसी के पास कम रिसोर्सेज है इसी की वजह से आपको तो क्या है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आपको सोसाइटी में यहाँ पर देखने को मिलता है मतलब जिसके पास सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा वो टॉप पोजिशन पर आएगा जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं है वो लोअर पोजीशन में हमारा कंसीडर किया जाता है तो पर्सपेक्टिव का मेन कीवर्ड क्या है स्केयर्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं बट हमारा कंजप्शन मतलब हमारी सप्लाई कम है और डिमांड यहाँ पर एक तरह से ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या है सोसाइटी में कंफ्लिक्ट है और स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली बात है जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे उनके पास पावर होती है वो बाकी लोगों को हमारे एक्सप्लॉयट करते हैं जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो हमारी बुर्जुआ क्लास है उनके पास सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है मतलब बुर्जुआ क्लास सारे जो मीनस

डैरिन ड्रॉफ है वो पावर के बारे में बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोगों के पास अलग अलग तरह से पावर है तो जिसके पास ज्यादा पावर ऑफ प्रेस्टीज है वो टॉप पोजीशन पे है जिसके पास उतना पावर ऑफ प्रेस्टीज नहीं है वो लोअर पोजीशन में है तो पोजिशन पर्सपेक्टिव का मेन कीवर्ड मैंने आपको बता दिया संसाधनों की जो हमारे सीमित संसाधन है उसके बारे में जो संघर्ष सिद्धांत मतलब कॉन्फ्लिक्ट के जो थिंकर है वो यहाँ पर बात करते हैं अब नेक्स्ट आप देखो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स किस तरह से मानते हैं फंक्शनलिस्ट थिंकर्स जैसे आप जानते हो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो में फंक्शनलिज्म समझाया भी था फंक्शनलिज्म जो फंक्शनलिस्ट थिंकर वैसे वो ये मानते कि कैसे हमारी सोसाइटी में हमेशा जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी है वो रहती है तो जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो ये मानते थे कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है ये एक तरह से इनएविटेबल है मतलब अपरिहार्य है इसके बिना हमारी जो सोसाइटी है वो सरवाइव नहीं कर सकती और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है वो एक तरह से नेसेसरी है मतलब जरूरी है हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए सो फंक्शनलिस ने स्ट्रेटिफिकेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम माना है मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे समाज का ही हिस्सा है हमारा और ये जो स्ट्रेटिफिकेसन सिस्टम है हमारी सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी हमारा क्रिएट करने का काम करता है तो ये फंक्शनलिस्ट थिंकर्स का हमारा माना था मतलब जैसा आप जानते हो ना फंक्शनलिस्ट थिंकर्स मोस्टली हर चीज का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट करने के बारे में बात करते हैं अब फंक्शनलिस्ट थिंकर्स में भी स्पेशली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे के बारे में जिन्होंने स्ट्रक्चर

उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो अनस्ट्रेटिफाइड हो मतलब कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पर स्ट्रेटिफिकेशन आपको ना देखने को मिले जो कंप्लीटली क्लासलेस हो ऐसा नहीं होता तो स्ट्रेटिफिकेशन उनके अकॉर्डिंग क्या है एक फंक्शनल नेसेसिटी है मतलब एक जरूरी चीज है जो हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए या सरवाइव करने के लिए जरूरी है तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरियन ने अपनी थियरी में क्या बताया था सबसे पहले तो ये इनएविटेबल है यहाँ पर क्या है लोगों का इंटेंट और एबिलिटी डिफरेंट होता है तो ये उसके जिसकी वजह से डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल एवलुएशन होता है लोगों की पोजीशन और ड्यूटीज़ का रिवॉर्ड्स आपकी पोजीशन के बेसिस पे दिए जाते हैं और वैल्यूज़ और रिवॉर्ड्स आपकी तो मतलब उस डिफरेंसेस या आपकी पोजीशन के बेसिस पे मिलते हैं। देखो सिंपल तरीके से समझो ये जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे हैं उन्होंने अपनी थियरी में क्या कहा था कि सबसे पहले तो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम नहीं कर सकती तो ये जो है, वो एक तरह से को किया था। मतलब उन्होंने ये माना था कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटी में ये जो डिफ्रेंसिस लोगों के बीच में देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में वो एक तरह से सही है और वो जरूरी भी है तो उनका ये कहना था कि Intent, लोगों अलग -अलग लोगों लोगों का की अलग-अलग अलग-अलग होती हैं। वजह से को हमारी सोसाइटी में बना है।, है, है, है तो उसने इतनी मेहनत की है इतनी एबिलिटीज उसके अंदर है उसने इतना ज्यादा वर्क किया है तभी वो उस पोजीशन पे हमारा पहुंच पाया है तो उसकी वजह से एक, एक अलग लेवल का जो पावर है प्रेस्टीज है वो दिया जाता है तो ये चीज उन्होंने कहा है दूसरा उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था उन्होंने ये कहा था कि जो लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं ना हमारी सोसाइटी में जैसे आप मान के चलो एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जो आई ऑफिसर है वो टॉप पोजिशन पे आएगा उसी ऑफिस में अगर कोई क्लर्क है तो वो लोअर पोजिशन पे हमारा कंसिडर किया जाता है अब ये जो किंग्सले डेविस एंड विलबर्ट भूरे थे इन्होंने क्या कहा था कि जो लोग टॉप पोजिशन पे होते हैं उनका काम ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है rather than जो लोग पे हैं। तो ये चीज उन्होंने कहा था और जो लोग टॉप पोजिशन पे है उनका डिफरेंशियल इवेल्युएशन होना चाहिए मतलब उनकी जो ड्यूटीज है राइट्स है वो अलग अलग होते हैं उनको अपनी पोजिशन की वजह से रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए जैसे ये जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट पूरे हैं उन्होंने क्या कहा कि अगर जो लोग टॉप पोजीशन पे हैं उनको उस तरह का रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए मतलब उनको लोगों को प्रोत्साहित आपको करना है उनको टॉप पोजीशन वाले लोगों को आपको रिवॉर्ड्स वगैरह देने ही पड़ेंगे अदरवाइज लोग क्यों उस टॉप पोजिशन पे जाने के लिए हमारा फाइट या इतना स्ट्रगल हमारा करेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि इस तरह की जो टॉप पोजिशन है वहाँ का जो काम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जैसे आप देखो आज के टाइम पे आई का जॉब करना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज़ है हमारी क्योंकि आप आपका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है आपके अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी है तो आपको रात को दो बजे तीन बजे भी जाना वहां पर पड़ सकता है और आप मना नहीं कर सकते कि अभी मेरा वर्किंग आवर नहीं है आपको दिन भर फाइलों वगैरह में इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है पॉलिटिशियंस का प्रेशर ये सारी चीजें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं बट फिर भी तो आई का जो काम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट फिर भी लोग क्या है हमारे उस पोजिशन पे जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं मतलब फिर भी आप देखो कि आज के टाइम पे अधिकतर जो लोग हैं वो आई बनने का सपना देखते हैं तो क्यों देखते हैं यहाँ पर क्योंकि आई ए एस को आप जानते हो ना कि सबसे कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती है एक अलग ही लेवल का उन्हें पावर है प्रेस्टीज है जो हमारी सोसाइटी में दिया जाता है तो अगर आप उन लोगों को इस तरह का पावर एंड प्रेस्टीज नहीं दोगे तो फिर लोग क्यों उस पोजिशन पे जाने के लिए फाइट करेंगे मान लो अगर ऐसा हो आई एस को इस तरह की फैसिलिटीज मिले ही ना तो फिर लोग क्यों जाएंगे उस पोजिशन पे क्योंकि लोगों को तो पता है 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 ना कि ये कितना मतलब, काम है, कितना मतलब हेक्टिक काम डिफिकल्ट हमारा तो लोगों को ये जो ऑफिसर है मतलब टॉप पोजिशन वाले लोग हैं उनको इस तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं तभी तो लोग इंस्पायर्ड होंगे ना उस पोजिशन पे जाने के लिए तो मेल ये जो किंग्सले हैं वेलबर्ट पूरे उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया था कि जो लोग टॉप पोजिशन पे हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है उस पोजिशन पर पहुंचने के लिए इतना ज्यादा हेक्टिक चीज वो सारी फेस करते हैं तो उनको जो रिवॉर्ड्स वगैरह देना है वो जरूरी है हमारी सोसाइटी में और जो टॉप पोजिशन वाले लोग हैं उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेदर देन जो लोअर पोजिशन वाले लोग हैं तो ये किसने कहा था किंग्सले डेविस एंड विलबर्ट मोरे ने अपनी थियरी में यहां पर कहा था तो ये फंक्शनलिस्ट थिंकर्स है हमारे इस तरह से उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को एक इनएविटेबल और नेसेसरी सिस्टम है वो हमारा यहां पर बुलाया था बट ये जो किंग्सले डेविस एंड विलबर्ट मोरे की थियरी थी इसे मेलवेंट यूमेन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था मेलवेंट यूमेन का नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना अब मेलविंट यूमेन ने किस तरह से कहा था कि ये जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स ने जिस तरह से बताया है कि ये जो हायर पोजिशन वाले लोग हैं उनका काम इंपॉर्टेंट है रहता देन जो लोअर पोजिशन वाले लोग हैं ये एक तरह से हमारा कंप्लीटली गलत है जैसे मेलविन क्यूमेन ने हमारा क्या कहा था जैसे उन्होंने क्या कहा कि फंक्शनलिस्ट uh, थिंकर्स ने क्या कहा कि जो टॉप पोजीशन वाले लोग हैं कि सपोज आई ऑफिसर है तो उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर फैक्ट्री में कोई मैनेजर है या इंजीनियर है तो उसका काम हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जो वहां पर हमारे वर्कर्स हैं उनके तो ये चीज किसने कहा था फंक्शनलिस्ट थिंकर्स ने कहा था बट इसी चीज को जो मेलविन ह्यूमेन है क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने क्या कहा कि ये जो अनस्किल्ड लेबर है उसका भी काम उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे उन्होंने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था सम लेबर फोर्स ऑफ अनस्किल्ड वर्क वर्कमैन इज एज इम्पॉर्टेंट एंड एज इंडिस्पेंसिबल टू द फैक्ट्री एज सम लेबर फोर्स ऑफ इंजीनियर मतलब उन्होंने क्या कहा कि जितना ज्यादा एक फैक्ट्री में एक इंजीनियर का हमारा काम होता है उतना ही ज्यादा जरूरी एक फैक्ट्री में एक अनस्किल्ड वर्कमैन का काम होता है आप खुद सोच के देखो कि क्या सिर्फ फैक्ट्री में अगर सिर्फ इंजीनियर्स ही हमारे काम करे तो क्या आपकी फैक्ट्री चल सकती है क्या बिना वर्कर्स के हमारी फैक्ट्री चल सकती है नहीं ना तो कैसे आप बोल सकते हो कि ये जो सिर्फ टॉप पोजीशन वाले लोग हैं उन्हीं का ही काम इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी अपना सिस्टम चलाना है कोई भी काम आपको करना है तो जो लोअर पोजीशन वाले लोग हैं वो भी उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे आप देखो कि अगर वर्कर्स ही नहीं हो तो मशीन को ऑपरेट करने का काम सारा आपका जो गुड्स है उनको ट्रांसफर करने का काम ये कौन करेगा इंजीनियर्स को तो ये सारा मैनुअल लेबर वाला काम आता नहीं है ना तो जितना ज्यादा एक इंजीनियर का, का काम इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा जो लोअर पोजिशन के लोग हैं मतलब जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनका भी काम उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेम एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जितना ज्यादा एक आई का काम इंपॉर्टेंट है उतना

पोजीशन वाले लोग हैं उनका भी काम उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना टॉप पोजीशन वाले लोगों का है दूसरा उन्होंने क्या कहा था जैसे फंक्शनलिस्ट थिंकर्स ने हमारा क्या कहा था सॉरी फंक्शनलिस्ट थिंकर्स ने हमारा क्या कहा था कि हमारे ये जो टॉप पोजीशन पर जो लोग हैं इनके पास इस तरह की स्पेसिफिक एबिलिटीज वगैरह है टैलेंट वगैरह है जिसकी वजह से वो लोग टॉप पोजीशन पर पो, पहुंच पहुंच पाए हैं बट इस चीज़ को भी एक तरह से मेलविन ट्यूमेन ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि कई बार बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा जिसकी वजह से कुछ लोग टॉप पोजिशन पर नहीं पहुंच पाते हैं जैसे आप देखो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं बट हमारी सोसाइटी में कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लोगों पर लगाए जाते हैं जैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ इतना ज्यादा गलत ट्रीटमेंट होता है तो अगर वो मेहनत भी कई बार ऐसा होता है ना कि वो करना भी चाहें, तो भी लोग उन्हें उस टॉप पोजिशन पे हमारे नहीं पहुंचने देते दे। तो ये चीज उन्होंने बताया था आप देखो फीमेल्स के ऊपर कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो फीमेल्स के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि टैलेंट नहीं है या उनके अंदर एबिलिटी नहीं है बट उनका जो आसपास का एटमोसफेयर है उनका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो उन्हें कई बार रोक देता है उस टॉप पोजिशन पे जाने के लिए तो ये चीज भी गलत है कि सिर्फ आप अपनी एबिलिटी या टैलेंट के बेसिस पे ही टॉप पोजिशन पर जाते हो तो उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो ये चीज भी हमारा गलत है इवन जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनको भी कुछ ऐसा हमारा मोटिवेशन मिलना चाहिए मतलब उनको भी कुछ

अब लास्ट हमारा आ जाता है वेबर का ट्रिनिटेरियम व्यू तो ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी आप सभी जानती हो वेबर ने ट्राइपार्टाइट मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दिया था वेबर ने अपना ट्राइपार्टाइट मॉडल ऑफ स्टेटिफिकेशन दिया था तो वेबर ने अपने ट्राइपार्टाइट मॉडल थ्री मॉडल्स की यहाँ पर बात की थी मतलब थ्री बेसिस की उन्होंने बात की थी वेबर आप सभी जानते हो क्लास स्टेटस एंड पावर या पार्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वेबर ने क्या कहा था कि ये थ्री जो बेसिस हैं आपका क्लास है स्टेटस है क्लास आपके लाइफ चांसेस पर डिपेंड करती है स्टेटस आपका स्टाइल ऑफ लाइफ पर डिपेंड करता है पावर आपका जो पॉलिटिकल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है तो ये जो थ्री डायमेंशन हैं, इनके बेसिस पर आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो देखने को हमारा मिलता है तो ये चीज़ किसने कहा था वेबर ने कहा था वेबर ने ये अपना फिनेटेरियम व्यू दिया था अलग अलग क्लासेस के बारे में भी वेबर बात करते हैं अलग अलग पार्टी पावर एंड स्टेटस के बारे में वेबर बात करते हैं तो इस तरह से जो वेबर है उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात की है कि आपकी क्लास के बेसिस पे आपको अलग अलग लेवल्स पे अरेंज किया जाता है आपका जो पावर है पॉलिटिकल पोजिशन है उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है आपका जो स्टेटस है स्टाइल ऑफ लाइफ है उसके बेसिस पे भी अलग अलग लेवल पे आपको अरेंज किया जाता है और यही जो वेबर का स्ट्रेटिफिकेशन मॉडल था इसे इंडियन सोसाइटी में आंद्रे बेदे ने हमारा अप्लाई किया है आंद्रे बेदे भी आप सभी जानते हो एक वेबेरियन है उन्होंने भी वेबेरियन पर्सपेक्टिव से जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके बारे में बात की थी उन्होंने इंडियन सोसाइटी में क्या कहा था उन्होंने ये जो वेबर का कॉन्सेप्ट था आ, क्लास स्टेटस एंड पार्टी का आंध्र बेदी ने से इंडियन सोसाइटी में अप्लाई किया था और उन्होंने यहाँ पे कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में बात की थी क्योंकि आप सभी जानते हो इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट <laughs> इंडिया में आंध्रे बेदी ने से अप्लाई किया था और आंध्रे बेदी ने यहाँ पर कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में बात की थी उनके बुक का नेम भी है कास्ट क्लास एंड पावर तो आंध्रे बेदी इसके बारे में बात करते हैं और सेम इसी तरह से आंध्रे बेदी ने भी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की है आंध्रे बेदी ने कहा पर स्टडी किया था तो श्रीपुरम जो विलेज है हमारा तंजोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में वहां पर आंद्रे बेदे ने अपना फील्ड वर्क किया था और वहां पर उन्होंने ये जो स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है अपना दिया था तो आंद्रे बेदे का भी ध्यान रखना है वेबर तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं तो ये तो आप सभी जानते ही हो तो ये आज का हमारा सेशन था जहां पर मैंने आपको पूरा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक तरह से जो बेस है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा सारी जो भी थियोरीज हैं कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपके जो डाउट्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी बाकी होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी कोई नहीं करेगा क्लास खत्म होने के बाद कॉमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को मुझे इस क्वेश्चन ऑफ द आंसर भी जरूर बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा सेशन को लाइक like और शेयर भी कर देना है आज आप बहुत कम लोगों ने क्लास देखी होगी क्योंकि तो... लाइव पॉसिबल नहीं हो पाया तो बट कल हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सभी लोगों को सेशन को लाइक like और शेयर कर देना है और जो भी आपका डाउट है सजेशन है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसी तरह से आपको और भी ज्यादा ये जो स्ट्रेटिफिकेशन टॉपिक है मैंने और भी ज्यादा डिटेल में आपको फाउंडेशन बैच में कवर कराया है और भी जो सारे डायमेंशन है स्ट्रेटिफिकेशन के वो भी मैंने वहां पर कवर किए हैं तो फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है जो आपको फाउंडेशन बैच में मिलता है किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं है जैसा आपको यूट्यूब पे दिखता है वैसा ही फाउंडेशन बैच में मिलता है कुछ फॉल्स प्रोमिस यहाँ पे नहीं किए गए हैं प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं सारे डाउट्स है वो भी आपके सुने जाते हैं एंड हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में और स्ट्रक्चर वे में हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं तो अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या वेबसाइट एंड ऐप के थ्रू भी आप फाउंडेशन बैच को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए यहाँ पर आपको क्लासेस से रिलेटेड सारी जो भी लिंक्स हैं अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं एंड जी आर अड्डा का मेन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर भी आपको पेपर वन पेपर टू सभी क्लासेस का अपडेट्स मिल जाता है सो so, कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम थ्री पी एम पर सोशोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड कॉमेंट डाउन द करेक्ट आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन सी यू ऑल थैंक यू सो मच